आप लोगों का जो सपोर्ट है ना वो वाकई काबिले तारीफ़ है। कि मैं कभी भी सोचा नहीं था कि आप लोग मुझे इतना मेरे वीडियो को इतना पसंद करोगे और मुझे इतना सारा कमेंट्स करोगे। और जो कुछ दिन पहले मेरे चैनल का सब्सक्राइबर 900 जैसा करीब था, तो वो आज कुछ ही दिनों में 3000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया। आज के दिन में 3000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया तो मैं काफ़ी खुश हूँ। जो आज मैं ड्यूटी के टाइम में भी टाइम निकल के आप लोगों को बता पाता हूँ कि कैसे कैसे दिल्ली पुलिस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ आज कि मैं ये देख के कि आप लोगों का जो ये रिस्पॉन्स है ना, अमेजिंग रिस्पॉन्स। और मैं एक और पोल क्रिएट किया था मेरे कम्युनिटी सेंटर पर, आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पर जो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी लोग आप यहाँ पर येस और नो पे वोट किए हो कि मुझे डेली जो ब्लॉग्स है ना, जो मैं डेली कैसे क्या क्या करता हूँ, मेरा डेली रूटीन, पर्सनल लाइफ, जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग है उसका भी मैं एक वीडियो बनाना शुरू करूँ। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इन्हीं विषय में भी आपको बताने के लिए। तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और आशा करता हूँ कि जल्दी 5000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाए। और मतलब अभी कुछ दिन पहले 2000 सब्सक्राइबर हुआ था और अभी आप लोगों के प्यार की वजह से 3000 सब्सक्राइबर आज पूरा कर लिया। तो बहुत सारा थैंक यू आप लोग, आप सभी लोगों को। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रमोशन एंड फैसिलिटीज़ दिल्ली पुलिस में, आप जब भर्ती हो जाओगे तब आपको क्या क्या, कैसे कैसे प्रमोशन मिलेगा, आप कैसे कैसे प्रमोशन ले सकते हो और फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेगा दिल्ली पुलिस में, तो इन्हीं विषय में आपको बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ है, आप सभी जो मेरे 3000 लोगों का जो फैमिली है, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आगे कुछ ही दिनों में एक सरप्राइज़ मेरे खुद के लिए, मेरे जो हार्ड अर्न्ड इनकम है उसमें से मैं एक सरप्राइज़, मतलब एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वही मतलब नेक्स्ट वीक मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि नेक्स्ट वीक मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीक उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और हर किसी के लिए, मतलब हर एक आदमी के लिए अपने इनकम का जो कुछ गिफ्ट होता है ना, बहुत ही प्रीशियस रहता है वो गिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज की भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे प्रमोशन फैसिलिटीज़ मिलते हैं। और एक और बात, आप इंस्टाग्राम अगर करते हो तो मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम का लिंक। और टेलीग्राम में भी आप लोग कमाल का सपोर्ट किया हो, टेलीग्राम में भी आप लोग जब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप ओपन किया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम में भी आप लोग काफ़ी सारे लोग, 300 जैसा लोग हो चुका है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। तो जब भी कोई मटेरियल्स होगा, जो कोई इन्फॉर्मेशन होगा या फिर आपको मुझसे बात करनी हो, तो अगर आप टेलीग्राम करते हो तो उस पर भी आप जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो में देखते हैं आगे आगे क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको मतलब अच्छा लगे, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं ड्यूटी से टाइम निकाल कर आपको बता पा रहा हूँ, जो मैं मतलब आपको, अगर बेसिकली अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ दिनों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो। हर एक मतलब पूरा दिन मैं ये देखता रहता हूँ कि अभी कितना सब्सक्राइबर गेन हुआ, अभी कितना सब्सक्राइब गेन हुआ। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया कि पहले आपको प्रमोशन आपको कैसे कैसे मिलेगा उसमें, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद और जो फैसिलिटीज़ है दिल्ली पुलिस में, हालांकि सभी फैसिलिटीज़ मुझे नहीं पता, जितना भी मुझे फैसिलिटीज़ पता है अब तक का फैसिलिटीज़ जितना भी पता है वो सभी आपको बताने वाला हूँ। और आगे भी जितना पता चलेगा वो आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमोशन से कि आप कैसे प्रमोशन ले सकते हो दिल्ली पुलिस में। तो प्रमोशन की बात आता है तो आप अगर जैसे कि मैं अभी कांस्टेबल रैंक में भर्ती हुआ हूँ, तो कांस्टेबल से आप कैसे कैसे प्रमोशन ले सकते हो। कांस्टेबल में मैं भर्ती हुआ हूँ, जैसे कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल आता है, हेड कांस्टेबल से एएसआई आता है, एएसआई से सब इंस्पेक्टर आता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, अगर आपका प्रेजेंस, अटेंडेंस और डिसिप्लिन, मतलब आपका काम करने का तरीका, आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन तरीका अगर आपका अच्छा हो, तो आप इंस्पेक्टर रैंक तक भी जा सकते हो कांस्टेबल रैंक में भर्ती होकर। जैसे कि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर का जो CDI है, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वो सर भी हमको बताते थे कि वो कांस्टेबल में भर्ती हुए थे और उसके बाद अभी वो इंस्पेक्टर रैंक पे है। तो वही आपको, आपका जो हार्डवर्क है, आपका अच्छा काम, जो जो भी अगर आप अच्छे से काम करते हो, तो आप मतलब
इंस्पेक्टर रैंक तक भी बन सकते हो कांस्टेबल में भर्ती होके। और अगर आपका अच्छा काम भी, अगर आप इतना अच्छे से काम नहीं करते कांस्टेबल रैंक में भर्ती होगे, आप मतलब काम में चोरी करते हो, लापरवाही करते हो, तो आप लोग कांस्टेबल में भी कई कई लोग रिटायर हो जाते हो, या फिर हेड कांस्टेबल या फिर ASI रैंक पे भी कई कई लोग रिटायर हो जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे अपने नौकरी को महसूस करते हो, कि आपने दिल लगा के या फिर अपने अपने के बर्डन से आप नौकरी कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रमोशन के बारे में। और अभी बताओ कि कैसे कैसे प्रमोशन मिलता है। तो कैसे कैसे प्रमोशन मिलता है, मतलब एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है हेड कांस्टेबल का, जिसके जो हर साल, शायद हर साल डेढ़ साल में होता है शायद। तो इसमें जो है ना, आपको जो कांस्टेबल रैंक में आप भर्ती हो चुके, तो उसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल के एक्सपीरियंस में आपको, मतलब कांस्टेबल रैंक में आपको 5 साल तक रहना पड़ेगा। 5 साल तक रहने के बाद आप जो, उसके बाद 5 साल के बाद, हालांकि अभी भी कुछ दिन बाद एक और हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, उस पर जो मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, उसमें एग्ज़ाम में काफ़ी हाई मेरिट जाता है, क्योंकि सभी जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग इसका एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, जैसे कि 95% से ऊपर जाता है उससे कट ऑफ, मैंने सुना है। तो 5 साल के बाद आप हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर उसमें आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो। और अगर आप हेड कांस्टेबल उस जो वो जो एग्ज़ाम है उसमें आप पास नहीं कर पाए, तो वैसे कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस का एक पॉलिसी है, जैसे कि मेरे जो सर है, मेरे उस्ताद है, उन्होंने मुझे बताया था कि 15, 25, 30 15 साल के सर्विस के बाद डिपार्टमेंटली आपको, मतलब बिना एग्ज़ाम दिए हुए आपको 15 साल के सर्विस के बाद हेड कांस्टेबल, 25 साल के सर्विस के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और 30 साल के सर्विस के बाद सब इंस्पेक्टर तक का आपका प्रमोशन हो जाएगा। और अगर आप मतलब 5 साल के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो जब 5 साल के बाद या फिर वो साल में नहीं हो पाया, फिर 6 साल में आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरी बार आप ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, वो अगर आप वो प्रमोट हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। आप तभी से आपका मतलब एम अच्छा हो जाएगा कि मुझे इंस्पेक्टर रैंक तक जाना है, तो आप इंस्पेक्टर रैंक तक भी बन सकते हो, वही मतलब वो आपका जॉब अगर अच्छा रहा तो वही यही है प्रमोशंस की बात। आप मतलब अगर आपका काम करने का तरीका अच्छा हो, अगर आप सच्ची निष्ठा से आप अपना जॉब करते हो, मैं खुद से आशा करता हूँ कि मैं भी अच्छे से अपना जो अभी नया नया भर्ती हुआ 1 साल हुआ है, तो आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छे से मेरा नौकरी कर पाऊँ। और 5 साल के बाद जो एक और बात, CPO का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो। तो डिपार्टमेंटली आपको जो एक कोटा होता है डिपार्टमेंटल, इसके लिए आपको 2 साल का जो एक्सपीरियंस, मतलब सर्विस लाइफ होना चाहिए आपको दिल्ली पुलिस में। और या फिर आपको अगर अभी जैसे कि मैं अभी CPO का फॉर्म निकला है, अगर अभी मैं इसको अप्लाई करना चाहूँगा तो मुझे ओपन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंटली मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा 2 साल का सर्विस लाइफ नहीं है, मेरा अभी एक ही साल हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो 2 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल जो कोटा है उसके अंदर से भी आप CPO के लिए फॉर्म फिलअप, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो प्रमोशंस की बात है वो तो मैंने सूर्यवत कर दिया, अभी बात आती है कि फैसिलिटीज़ के बारे में, कि फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलता है दिल्ली पुलिस में। तो फैसिलिटीज़ मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है कि मेडिकल का फैसिलिटीज़ मतलब आपको जो मेडिकल का खर्चा होगा, जैसे कि आपका कोई फ्यूचर में दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के बाद आपका कोई फ्यूचर में कोई बड़ा आपको बीमारी हो जाए, या फिर कोई आपको ऑपरेशन करना पड़े, या फिर आपको ही नहीं सिर्फ आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा को या फिर आपके बीवी बच्चों को भी कोई बड़ा कोई बीमारी हो जाए, उनका ऑपरेशन वगैरह करना पड़े या फिर जो कुछ भी हो, तो CGHS कार्ड वो बोलते हैं उसको, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हो सकता है, तो इसका एक बिल बनेगा जो आप ऑपरेशन वगैरह या फिर आपका इलाज करवाते हो ना, तो इसका एक बिल बनेगा। उस बिल में मतलब उस बिल के अंदर जितना भी अमाउंट होगा, तो उसको बिल आप तो पहले वो बिल आप पे करोगे, तो उसके बाद वो जो बिल रिसिप्ट जो होगा वो आप अगर आपने डिपार्टमेंट के अकाउंट ब्रांच में जमा करते हो, तो उसका जो जितना भी खर्चा हुआ तो वो लोग एक एनालिसिस करेंगे कि इतना इतना इस ऑपरेशन में इतना इतना खर्चा होना चाहिए, आपके मर्जी से नहीं है। अगर आप ज़्यादा खर्चा कराते हो तो मतलब वो नहीं है, वो डिपार्टमेंट एक फिक्स करता है कौन कौन से ऑपरेशन का, कौन कौन से इलाज का, कितना कितना रुपये खर्चा होना है, मतलब लॉफुली, तो वही अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी दूसरे बात आता है कि जो दिल्ली पुलिस में आप अगर जॉब करते हो, तो दिल्ली में जो DTC बस होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो बस होता है, उसमें आपको जो जो आप यहाँ से दिल्ली में कहीं भी जा सकते हो, अपना आई कार्ड दिखा के, आप अगर डिपार्टमेंट के लोग हो तो आप मतलब आपको कोई
किराया नहीं देना होगा कि मैं आप बता सकते हो कि मैं डिपार्टमेंट से हूँ और आपका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, आप दिल्ली में कहीं भी आ जा सकते हो DTC के पद से। तो उसके बाद एक और फैसिलिटीज़ के बाद आते हैं कि HRA के बारे में। HRA जो है ना, मैं ये दिल्ली है जो ये एक मतलब महंगा एरिया है, तो इसका जो HRA है ना, इसका HRA काफ़ी ज़्यादा है। आपका बेसिक का आपको 24% आपको HRA मिलेगा। जैसे कि मेरा अभी बेसिक 21,700 है, तो इसका HRA मुझे लगभग 5,400 तक HRA मुझे मिलेगा। तो इसका HRA काफ़ी हाई है। जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट से मैं बात करूँ, CRPF, BSF, मतलब उनका पोस्टिंग के हिसाब से उनका HRA फिक्स होता है। पर आप दिल्ली पुलिस में जब आओगे तो दिल्ली पुलिस में आपको HRA हाउस रेंट जो अलाउंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिले, 24% मिलेगा। तो उस वो भी एक फैसिलिटीज़ में मैं बोलना चाहूँगा। और एक और बात है जो आपको क्वार्टर का बात है, तो अब अगर आप क्वार्टर लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाल सकते हो। और क्वार्टर लेने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि सीनियरिटीज़ की बेस पे आपको जो है ना क्वार्टर मिलेगा। आपसे पहले जो कोई अप्लाई किया है उनको पहले क्वार्टर मिलेगा, या फिर आपके बाद जैसे कि आपसे पहले कोई सीनियर आपसे पहले अप्लाई कर चुका है तो क्वार्टर पहले। हालांकि इतना अवेलेबल दिल्ली में क्वार्टर हमेशा फुली रहता है, इतना अवेलेबल नहीं रहता। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँगा क्वार्टर के लिए, मेरी फैमिली को लाना है। तो ऐसे ही रहता है कि क्वार्टर का जो सीनियरिटीज़ के बेस पे आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। अगर आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है तो आपको HRA मिल जाएगा। तो HRA आप यूज़ करके आप रेंट पे भी रह सकते हो। तो अभी दूसरा बात, एक और फैसिलिटीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा तो वो है कि ट्रेवलिंग कर, हर 3 साल के बाद आप अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकते हो दिल्ली पुलिस के। तो मतलब अभी शायद मैंने सुना है कि पिछले साल अंडमान निकोबार का रहा होगा शायद, तो वहाँ पे अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो। जैसे हर 3 साल के बाद आप एक ट्रिप कर सकते हो। जैसे कि आपका EL मिलेगा 30 days का और CL मिलेगा 15 दिन का। तो EL जो है ना, वो आप यूज़ करके आप वो ट्रैवल मतलब अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप कर सकते हो, जो ट्रिप का खर्चा पूरा दिल्ली पुलिस उठाएगी। तो यही बात है कि एक और आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा, वो है ट्रैवल का फैसिलिटीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और मेरे पास काफ़ी सारा मैंने नोट डाउन किया है, आप लोगों ने कमेंट किया है कि क्या क्या आपको और जानना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, हाउ टू स्टार्ट, आपको एग्ज़ाम कैसे आपको तैयारी कहाँ से शुरू करना है आपको एग्ज़ाम, और GK GS वगैरह आपको कहाँ से पढ़ाई करना है, उन्हीं सभी विषय में मैं वीडियो बनाऊँगा आगे सभी विषय में वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगे मेरी वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल SMS कर सकते हो। तो अगले हफ्ते एक और सरप्राइज़ मेरे खुद के लिए आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स के हिसाब से मैं उस वीडियो को भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो मेरे चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ये आज सुबह काफ़ी बारिश हुआ है यहाँ पे, मैं जो जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ जो एक कम्युनिटी सेंटर में रहता हूँ, अभी कोरोना के टाइम में पुलिस स्टेशन में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर बाहर ड्यूटी करते हो तो पुलिस स्टेशन में वो चांस रहता है ना फैलने का कोरोना। तो हम लोग अभी एक कम्युनिटी सेंटर में रह रहे जहाँ पे जो सोशल जो शादी वगैरह होता है वो एक सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो मैं अभी छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी बारिश फिर से शुरू हो गई, तो मैं आज का वीडियो यही ख़त्म करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।